क्या आपके भी होम स्क्रीन पर या आप अपने फोन में कोई भी सेटिंग करते हैं या किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और वहां पर आपको इस तरीके से ऐड आ जाते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आपको ये बार बार ऐड आपके होम स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं तो इसे आप कैसे बंद कर सकते हैं, वही आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि अपने होम स्क्रीन पर आने वाले ऐड को आप कैसे बंद कर सकते हैं। आपको ये ऐड नहीं दिखना चाहिए, क्या आपको सेटिंग करना होगा। तो हम यहाँ पर इसे बैक करते होंगे क्योंकि हमारे पास स्क्रीनशॉट है और अब आप देखेंगे कि हम अगर अपने फोन में सेटिंग ओपन करें या किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करें हमें कोई भी यहां पर जो ऐड है वो हमें शो नहीं होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। हम यहां से सेटिंग को ओपन करते हैं लेकिन हमें यहां पर ऐड शो नहीं होता है। अगर हम यहां पर अपने गैलरी ओपन करेंगे तो भी ऐड नहीं आएगा, हम प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो भी ऐड नहीं आएगा, हम यहां से किसी भी एप्लीकेशन को अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास ऐड शो नहीं होगा। तो मैंने तो इसे बंद करके रख लिया है। तो आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको कम से कम 3 सेटिंग बताएंगे जिन्हें आपको फॉलो करना होगा अपने मोबाइल पर और फिर आपको ऐड आना बंद हो जाएगा। सबसे पहला सेटिंग कौन सा है, कहां पर मिलेगा? तो सबसे पहला जो सेटिंग है वो आपको मिलेगा ब्राउजर में। आपको जाना होगा ब्राउजर पर। ब्राउजर पर जाने के बाद इस तरीके से आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा। यहां पर मिलेगा 3 डॉट। अब आप इस पर क्लिक कर देंगे, सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको नीचे आना होगा। यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का। अब आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगा, थोड़ा सा नीचे आएंगे, डू नॉट ट्रैक का। अब आप इस पर क्लिक कर देंगे और यह सेटिंग आपको बंद कर देना है। यह सेटिंग बंद करने से दोस्तों क्या होता है कि आपका जो ब्राउजर है ये आपको ट्रैक करता है और ट्रैक करने पर जैसे आपने देखा होगा या आपके मन में आता होगा कभी कभी कि जैसे आप गूगल पर सर्च करते हैं कोई भी मोबाइल या आप गूगल पर सर्च करते हैं कोई भी प्रोडक्ट जैसे टी शर्ट हो गया या आप ड्रिंक सर्च करते हैं, कुछ भी अगर आप ब्राउजर पर लेने के लिए सर्च करते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि ऑटोमेटिक उसी से रिलेटेड आपके पास ऐड आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये कैसे होता है, ये ऐसे ही होता है कि आपका जो ब्राउजर होता है ये आपको ट्रैक करता है कि आप अपने फ़ोन में क्या कर रहे हैं, क्या सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, क्या आप सर्च कर रहे हैं, ये आपको ट्रैक करता है और आपको ट्रैक करके आपके ही हिसाब के ऐड आपके स्क्रीन पर सेंड करता रहता है, यानी कि ऐड दिखाता रहता है। तो ये सेटिंग आप बंद कर देंगे तो आपका जो ये ब्राउजर है ये गूगल का क्रोम ब्राउजर ये आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। अगर कोई दूसरा ब्राउजर यूज करते हैं तो उसमें भी आपको यही सेटिंग करना होगा। उसके बाद यहां से बैक आ जाइए। बैक आने के बाद एक सेटिंग आपको और भी करना होगा, वो सेटिंग कौन सा है तो यहां पर आपको करना होगा 3 डॉट पर क्लिक करके और उसके बाद हिस्ट्री पर क्लिक करना है। यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगा, अभी आपको दिखाते हैं, क्लियर ब्राउजिंग डेटा का। अब आप इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर मिलेगा कुकीज एंड साइट डेटा। अब आप इस पर क्लिक करें और ये वाला आपको डिलीट कर देना है, यानी कि ये आपको सेलेक्ट नहीं करना, सिर्फ आपको कुकीज वाला सेलेक्ट करना है और यहां पर मिलेगा क्लियर डेटा और यहां पर क्लिक करके आपको ऑल टाइम हमेशा सेलेक्ट करके रखना है, ऑल टाइम और यहां पर क्लियर डेटा। और यहां पर आपके सारे वेबसाइट आ जाएंगे जिनका आप फॉलो करते हैं, अगर आप उन्हें बचाना चाहते हैं तो आप उन्हें बचा सकते हैं। बाकी आप यहां से क्लियर कर दीजिए। क्लियर करने के बाद आपका जो यहां पर जो कुकीज फाइल होगा, यानी कि जो आपका जो कुकीज फाइल होता है यह आपका डिलीट हो जाएगा। कुकीज फाइल से भी आपको ट्रैक किया जाता है। कुकीज फाइल वह होता है जब आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद उस वेबसाइट पर जाते हैं, वहां पर जाने के बाद आप क्या क्या करते हैं वहां पर, तो आप जितना काम किसी भी वेबसाइट को ओपन करके करते हैं तो उसका एक कुकीज फाइल बन जाता है और वो आपके ब्राउजर में सेव हो जाता है। इसलिए सेव हो जाता है ताकि अगर आप अगली बार फिर से उसी वर्ड को सर्च करें या उसी वेबसाइट पर आए तो आपका ज्यादा से ज्यादा डेटा खर्च नहीं हो और आपका वो पेज ओपन हो जाए। तो इस तरीके से आपका कुकीज फाइल बनता है। लेकिन इसी कुकीज फाइल से भी आपको ट्रैक किया जाता है कि आपने क्या क्या देखा था, तो कुकीज फाइल से रिलेटेड आपको ऐड दिखाई देते रहते हैं आपके स्क्रीन पर। तो ये आपको कर देना है तो आपका ऐड आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये हो गया 2 सेटिंग। अब यहां से बैक आना होगा, अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगा गूगल के नाम से। अब आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहां पर मिलेगा एड्स। अब आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको 3 आईडी मिलेंगी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहला यह हो गया, तो इसे तो आपको इनेबल नहीं करना है, बिल्कुल आपको इसे बंद करके रखना होगा। यहां पर मिलेगा रिसेट एडवर्टाइजमेंट आईडी। अब आप इस पर क्लिक करेंगे और इसे आपको रिसेट कर देना है। रिसेट करने से यह हो जाएगा कि आपका एक नया एडवर्टाइजमेंट आईडी बन जाएगा और जब आपका नया आईडी बन जाएगा तो आपको कोई भी ट्रैक भी नहीं कर पाएगा, तो आपका जो आईडी रहेगा बिल्कुल सेफ रहेगा, आपको कोई भी ऐड नहीं आएगा। और वहां पर मिल जाएगा डिलीट एडवर्टाइजमेंट आईडी। अब आप इस पर क्लिक करेंगे और इसे आपको एक बार डिलीट कर देना है। इस पर क्लिक करके इसे आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपका जो एडवर्टाइजमेंट आईडी है वो आपका डिलीट हो चुका है। अब यहां से बैक आ जाइए। तो अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मैंने यहां पर ऐड का जो एडवर्टाइजमेंट आईडी है जिससे हमें ऐड दिखाए जाते हैं वो भी मैंने डिलीट कर दिया है और मैंने कुकीज भी डिलीट कर दिया है और मैंने अपने डू नॉट यहां पर ट्रैक वाले सेटिंग
सेटिंग को भी बंद कर दिया तो हमें गूगल भी यहाँ पर ट्रैक नहीं कर पाएगा, ब्राउजर भी ट्रैक नहीं कर पाएगा, और मैंने ऐड का जो आईडी बना होता है उसे तो मैंने डिलीट ही कर दिया। तो मैंने ये सारे काम कर दिए हैं, लेकिन एक बात को याद रखना है कि ये सारे काम करने से आपके जो एड्स होंगे लगभग आपके 90% आपके बंद हो जाएंगे, लेकिन 10% आपके पास ऐड कभी कभी आ जाया करेंगे। जैसे आप मोबाइल को यूज करते हैं, 1-2 घंटे तक यूज करते रहते हैं, तो हो सकता है कि आपको बीच में ऐड आ जाएगा, लेकिन आपका पूरी तरीके से ऐड बंद नहीं होगा, इतना बात को याद रखना होगा। लेकिन आपके बहुत सारे ऐड यहां से ब्लॉक हो जाएंगे, बहुत सारे ऐड आपको नहीं आएंगे, जो आपके मोबाइल पर बहुत सारे ऐड आपको मिल रहे थे वो आपको नहीं मिलेंगे। तो बस इतना काम कर लीजिए और इस सेटिंग को चालू करके अपने मोबाइल पर आने वाले एड्स को आप 90% तक बंद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यह वीडियो अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिन लोगों को नहीं पता है कि आखिरकार अपने एड्स कैसे हम बंद कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।